बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहला बजट मंगलवार को पेश होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस बिहार से हो रहे पलायन को रोकने और रोजगार देने की दिशा में है। यह बजट ऐसे समय आ रहा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है, ऐसे में बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद से ही राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है। बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, तो नीतीश कुमार की वापसी के बाद महागठबंधन भी एक्टिव है। महागठबंधन सरकार यानी जेडीयू आरजेडी सहित 7 दलों का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन सरकार का फोकस मिशन 2024 पर होगा। ऐसे में बेरोजगारी और बिहार के पलायन को रोकने के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार के बजट में बड़े प्लान और कई लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लाखों नौकरियों का वादा करते आ रहे हैं। उनका यह तक कहना था कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद वो अपनी कलम से सबसे पहले युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करेंगे। महागठबंधन में एंट्री करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन सरकार बजट में रोजगार को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं।